उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है। जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी लेकिन महाराज जी चले गए शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है, क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है। बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात। ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है, बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो। तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए बाबा ने कहा बडरो मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं इस बात गाय गाय का डर है यार। हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है, अपन खुश है कि अपन लाए, अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं।